क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बेटा आपको लास्ट टाइम मैंने ए प्लस बी वाले सम ऑफ एंगल करा दिए, डिफरेंस ऑफ एंगल करा दिए, ठीक है, सी प्लस डी वाले फार्मूले करा दिए, टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी वाले फार्मूले करा दिए। अब हम बात करते हैं मल्टीपल वाले। अगर मान के चलिए दो एंगलों का मल्टीपल हुआ तो वो मल्टीपल वाले आपको कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम वाले जो सम वाले थे, मैं आपको पहले डेरिवेट करा रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपके मल्टीपल वाले फार्मूले तैयार हुए हैं, जिनका यूज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो मल्टीपल फार्मूले का जैसे कि आपने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी इक्वल है ना, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है कि नहीं, साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए एंड साइन, ठीक है। अब आपने मल्टीपल वाले किए, जब मैं मल्टीपल कर रहा हूँ कि ए जो है बी जो है वो ए के इक्वल है, मैं एंगल बी को एंगल ए के इक्वल लेट कर लेता हूँ, तो जब मैं एंगल ए के इक्वल कर लेता हूँ तो देखिए ए प्लस ए एंड साइन ए, ए भी कॉस ए हो गया एंड प्लस कॉस ए साइन ए, सो दैट साइन टू ए और आपका इस सेम कॉसेज हो गया, इसका मतलब टू साइन ए कॉस और मल्टीपल ऑफ एंगल एंड सेम एंगल, ठीक है नहीं। तो साइन टू ए का फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया टू साइन ए कॉस ए। इसी प्रकार से आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जब आपको पढ़ा था तो क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब आप उसको रख देंगे तो कॉस ए प्लस ए एंड कॉस ए माइनस साइन ए एंड साइन ए, तो आपको हो गया कॉस टू ए इक्वल है कॉस का कॉस का मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस के साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस टू ए का फार्मूला हो गया। अब ये कॉस टू ए का फार्मूला आपका कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में, आपको केवल साइन ही साइन के फार्मूले फॉर्म में चाहिए या कॉस ही कॉस के फॉर्म में चाहिए तो देखिए इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके कॉस टू ए का फार्मूला अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे साइन साइन में लेना तो कॉस का आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए, कॉस स्क्वायर बराबर माइनस के साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल दैन वन माइनस के टू साइन स्क्वायर, तो आपका एक कॉस टू ए का फार्मूला एक और तैयार हो गया वन माइनस के टू साइन स्क्वायर। अगर आपको कॉस ही कॉस में चाहिए तो कॉस टू ए का फार्मूला, तो देखिए कॉस टू ए एंड कॉस स्क्वायर ए और आप इससे देख कर लीजिए आइडेंटिटी से वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए, सो डेट कॉस स्क्वायर ए माइनस वन एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल एंड टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये आपका कॉस टू ए का फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब टेन, देखिए टेन ए प्लस बी इक्वल है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन एंड टेन, तो जो कि ए इक्वल देन बी है डेट कर लिया आपने पहले, तो ए प्लस ए इक्वल देन टेन ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस के टेन ए टेन, तो डेट टेन टू इक्वल देन टू टेन ए अपॉन वन माइनस का टेन स्क्वायर, तो ये आपका टेन टू ए का फॉर्मूला तैयार होगा, ऐसे आपका साइन टू ए का साइन कॉस टू ए के एंड टेन टू ए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी टाइप में हाफ के फॉर्मूले होते हैं एंड थ्री टाइप वाले भी होते हैं मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स देखें, तो आपको मैंने जब एक याद हो कि एक न्यूमेरिकल यानी एक एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में आपको करा था, प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको टू टाइप्स ऑफ सॉल्व कराया, तो एक जो उसमें वन टाइम था
उसमें एक टाइप में तो मैंने इसका यूज किया था यार कि जाकर cos 2a का sin 2a का फार्मूला, तो मैंने आपको कहा था कि cos 2a का फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं जो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, याद है कि नहीं आपको? तो चलिए आपको उसका न्यूमेरिकल्स एक आध और करवा देते हैं, देखिएगा कि किस प्रकार से ये आपके मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाले यूज होते हैं। ठीक है, जैसा साइन टू ए एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल है, आपको प्रूव करना है टेन। ठीक है, अभी आपने cos 2a का, तो देखिए sin 2x LHS sin 2x upon 1 plus cos 2x, तो sin tan 2x तो हमें पॉइंट लाना है, प्रूफ करना है 10x, तो इसका मतलब ऊपर होना चाहिए sin sin और नीचे आना चाहिए cos, तो इसका मतलब मैं फार्मूला यूज करूंगा वो cos वाला करूंगा, तो एक देखिए एक प्रोसेस और बता दूंगा कि कहां cos और कहां sin का यूज करते हैं। तो ये sin 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x and cos x और 1 plus यानी कि 2 cos square x minus 1, ये आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है, जबकि आपने पढ़ा था 2 cos square x minus 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो आपको अच्छा 2 sin x cos x upon 2 cos square x, अच्छा 2 कैंसिल 1 cos कैंसिल, आपका बचा हुआ केवल sin x upon cos x equal है 10 x यानी equal है r x। देखिए आपने cos 2x के तीन फॉर्मूले बनाए कि cos 2x equal है तो cos square x and minus के sin square x, नॉर्मली जहां हमें sin cos दोनों की जरूरत पड़ती है वहां हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, परंतु जब हम पे 1 plus cos 2x यानी एक आपने पढ़ा था cos 2x equal to 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बदले के आएंगे, बस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस की कॉस 2 एक्स, तो जब तक हमें पर 1 माइनस कॉस 2 एक्स का हम डायरेक्ट कराएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब हमने कन्वर्ट कर लिया इसी प्रकार से हम कॉस 2 एक्स का दूसरा एक फार्मूला और है, कॉस 2 एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, तो जब हम cos 1 प्लस हमें कहीं मिलेगा तब इस फॉर्मूले को पहुंचा दीजिए 1 प्लस cos 2x इक्वल है 2 cos स्क्वायर x, तो जब कभी हमें cos 2x पॉजिटिव में मिले तो हम हमेशा cos वाला भाग लगते हैं, और जब नेगेटिव में है तो हमारे पास sin वाला, यानी 1 माइनस के cos 2x में मिले तो हम 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं और 1 प्लस के cos 2x, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता था परंतु मैं आपको इसको प्रोसेस करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लीजिए, ऐसा ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए रख करूं, अंडर रूट बाय 2 एंड प्लस फिर अगेन रूट 2 प्लस फिर अगेन रूट एंड 2 प्लस 2 cos 8x और आपको प्रूव करके लाना है और 2 cos x। चलिए देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि cos 2x, देखिए यहां पे भी 1 प्लस का रखा हुआ है, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो 2x है यानी twice of x, तो यहां पे जो प्रोसेस होना वो सिंगल x होगा, अगर मैं यहां कर दूं कि 4 टाइम x होगा तो यहां पर आ जाएगा आपका, हम इसको इस टाइप से करते हैं 2 into 2x, तो यानी जो x का वैल्यू है वो 2x के इक्वल है, तो यहां पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा cos स्क्वायर 2x, अगर यहीं लिख लूं उसको मैं 4x कर दूं यानी 8x को, तो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x। ठीक है कि नहीं, इस टाइप से, तो इसीलिए मैं इस प्रोसेस को आपको बताया, यानी LHS अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अगेन रूट प्लस 2 अगेन रूट, आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस cos 8x। ठीक है, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं आपको, पहले बता दूं 2 प्लस 2 रूट के अंदर प्लस रूट में 2 और देखिए 1 प्लस cos 8x, तो पहली चीज तो 2 cos स्क्वायर
बात करते हैं 1 प्लस कॉस 2x की, तो 2 कॉस स्क्वायर x होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस थे x तो सिंगल x आया था, और यहाँ पे 8 टाइम है तो कितने x आई है 4 टाइम है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 4x। सॉल्यूशन करेंगे तो 2 प्लस रूट 2, और इसका करेंगे 2 प्लस रूट रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 आपका आ जाएगा और ये आएगा cos 4x। अगेन आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस आप 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos 4x। देखिए फिर अगेन वही प्रोसेस, यानी रूट के अंदर 2 एंड प्लस 2 और 1 प्लस का होल 2 ट्वाइस और 2 cos स्क्वायर, क्योंकि 4 टाइम है तो आपका रहेगा ट्वाइस ऑफ x। अगेन 2 टू जा 4, आप फिर रूट से सिंगल से निकाल लीजिए तो आपका ये 2 प्लस 2 cos 2x। अगेन कॉमन ले लीजिए आप, फिर अगेन 2 तो आपका 1 प्लस cos 2x है, और जब आप फिर फार्मूला लगा रहे हैं कि 2 और 1 प्लस cos 2x और 2x का रहेगा आपका सिंगल, यानी cos स्क्वायर है, और जब आप रूट से बाहर निकाल लें तो ट्वाइस ऑफ 2 एंड cos स्क्वायर का होल होल cos है, यानी कि RHS, जो आपको प्रूफ करके लाना है। क्लियर? देखिए हमने सिंगल सिंगल प्रोसेस किया, पीछे से स्टार्ट किया सिंगल वाले रूट से, तो वहां मान लिया तो 1 cos 8x हो गया, फार्मूला आपको बता ही चुका हूं मैं, 1 cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि यहां पर ट्वाइस ऑफ x होते हैं तो सिंगल x आता है, यहां 4 टाइम यानी हाफ रह जाते हैं, यानी 4 रह गया, फिर 2 2 जा 4, इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पर 2 2 जा 2 टाइम्स है, 1 टाइम आ गया और cos स्क्वायर है तो स्क्वायर का 4x आ गया, फिर मैंने कॉमन ले लिया 2 रूट में से तो 1 cos 4x आ गया, फिर उस पर वही प्रोसेस कर 2 cos स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 टाइम है तो हाफ रह गया 2 स्क्वायर, फिर जब 2 2 जाए यानी रूट से बाहर निकल सकता है, यानी कि ये सिंगल रूट से इस वाले रूट से बाहर निकला तो 2 n cos स्क्वायर का होल पावर cos 2x आ गया। अगेन मैंने 2 कॉमन ले लिया तो आपका बचा 1 cos 2x, और 1 cos अब चूंकि ट्वाइस रह गया तो ट्वाइस का सिंगल x रह गया, 2 2 जाए 1 बार रूट बाहर निकाला तो 2 आ गया और cos स्क्वायर का होल पावर x, सो दैट आपका प्रूफ हो गया 2 cos x। क्लियर? तो ये प्रोसेस आपको इसलिए बताया गया क्योंकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 1 प्लस के रूप में, ठीक है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, और sec को कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले LHS लिख रहा हूं आपके सामने, पहले कि LHS तो आपकी है sec के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, sec 8x minus 1 upon sec 4x minus, तो अभी आपको पता है कि यहां पे reciprocal कर दिया जाए तो अपने आप sec कन्वर्ट हो जाता है किसमें cos में, तो मैं इसका reciprocal कर रहा हूं, देखिए 1 upon cos 8x minus 1 upon cos 4x minus 1 and LHS या तो 1 minus के cos 8x upon cos 8x and divided by 1 minus के cos 4x upon cos 4x, simplify किया जाए तो ये ऊपर बन जाएगा यानी cos 4x and bracket के अंदर 1 minus के cos 8x, और ये आपका हो गया cos 8x एंड 1 माइनस के cos 4x। क्लियर?
अब आपका कन्वर्ट कर दिया गया मैंने कॉस में, अब आपको कॉस का फॉर्मूला ये 1 माइनस के होता है, तो मैंने क्या कहा था साइन फॉर्म में होता है, यानी कॉस 4x जब आपका क्या 2 साइन स्क्वायर, और चूंकि 8x का हाफ हो जाएगा यानी 4x, यानी 1 लेस हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इधर था ये 1, और यहां पर कोई 1 पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं आ रहा था, ऐड नहीं हमने लेस नहीं हो रहा था, और देखिए cos 8x और आपका लिखा हुआ 1 माइनस के यानी 2 cos स्क्वायर साइन में आएगा यानी साइन स्क्वायर 2x, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहते कर दीजिए या बहन दे दीजिए, क्योंकि आपको फिर यूज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे 2x भी चाहिए और साथ में 8x भी चाहिए। तो देखिए ये स्क्वायरिंग है और 2 साइन 4x cos 4x एंड साइन, और भी 2 टाइम था ये साइन की पावर, इसको मैंने 2 टाइम लिख दिया। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है cos 8x एंड मल्टीपल ऑफ 2 sin 2x एंड sin 2x, 2 टाइम लिख दिया। तो देखिए यह फॉर्मूला तो आपका कन्वर्ट हो सकता है किसमें, कि 2 sin a cos b, आपने अभी पढ़ा कि 2 sin a cos a यानी sin फॉर्मूला होता है sin 2a यानी sin 2a, और a का काम कर रहा 4x, तो यानी हो गया आपका 8x। मैं इसको ऐसा अच्छा लिख देता हूँ 2 × 4x एंड साइन 4x, और ये आपका होगा 2, इस साइन 4x को ब्रेक कर लीजिए इस वाले साइन को, तो देखिए इसको मैं ब्रेक नहीं कर देना डायरेक्टली, 2 साइन 2x एंड cos 2x, इसको मैंने क्लोज किया और इसको मैंने ओपन किया है, और नीचे लिखा हुआ 2 साइन cos 8x एंड साइन 2x एंड साइन 2x, एक साइन 2x से 2x कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और देखिए यहाँ पे बनता आपका साइन 8x और संग मल्टीपल में cos 2x, और नीचे आपका है cos 8x और साइन 2x, और सेम एंगल यानी sin 8x अपॉन cos 8x होता है आपका tan 8x, और cos बटे sin होता है आपका cot 2x, जैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो tan में, क्योंकि हमें tan में चाहिए आंसर, तो tan 8x 1 अपॉन होता है तो tan 2x यानी आर, यही आपको प्रूफ करनी थी। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए भी चलिए कि हमें करना क्या है, हमारे पे यहाँ कहीं बनाया नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमें दिक्कत दे रहा था ये वन, तो इसको हटाने के लिए मैंने और दूसरी बात दे रखा कि मेरे पास सेप का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया कॉस में, एलसीएम दिया, मल्टीपल किया, फिर मेरे 1 माइनस के कॉस का फॉर्मूला आ गया, मैंने वो पुट अप किया जिससे वो 1 खत्म किया जा सके, फिर वो मल्टीपल ही मल्टीपल में प्रोसेस चला, और चूंकि मुझे 8 लाना था इसलिए मैंने इन 4 के वालों को 2 मिला के एक फार्मूला बना के 8x लाया, जैसे कि मैं साइन अपॉन कॉस 8x को मिला के एक 10x बना सकूं, और चूंकि मुझे 2x भी चाहिए था इसलिए मैंने इस 4 cos को कन्वर्ट किया 2 वाले फॉर्म में, जैसे कि मुझे 10 2x मिल जाए। तो हर स्टेप अगले स्टेप को लाता है, याद रखिए, क्लियर। और कई ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, हर एक एक सवाल को आप करते रहिए, जिससे न्यूमेरिकल को करने से, एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी, और सारे के सारे फार्मूलों का आपको दिमाग में रहेंगे, तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इतना बढ़ेगा इंटीग्रेशन, वही चीज़ बोल रहा हूँ, और इतने बढ़ेगा इंटीग्रेशन करने में आपको आसानी रहेगी, यही चीज आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो 12th के अंदर जब आप चाहोगे तो 12th के अंदर आपको इतना ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन मिलेगा, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए वो समय नहीं मिलेगा जो समय आपको आज मिलना है, तो आप इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में करिए, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू।